हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। यूपी के संभल में तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार को रौंद दिया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। संभल जिले के बहजोई थाना इलाके के मुरादाबाद आगरा हाईवे पर तेज रफ्तार टैंकर और कार की आमने सामने हुई टक्कर में कार में बैठे 3 लोगों की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई और 3 घायलों को अस्पताल भी भेजा गया, जहां 2 ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि एक बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मैं बैठा था सामने और जैसे ये टकराता था सामने से आ रही थी, तो एकदम धड़ाका हुआ। मैंने कहा हो गया, हो गया। तब तक हम लोग 15-20 मिनट यहाँ भाग के आए, तब देखा ये सब इसमें फंसे पड़े, बाकी लोग निकाल लिए और एक जो फंस गया उसमें गाड़ी। कितने लोग निकला नहीं, कितने लोग थे इसमें, खत्म कितने हो गए? खत्म तो 3 तो यहीं हो गए और 3 वो चले गए। हादसे का शिकार हुए कार में सवार परिवार अलीगढ़ के रहने वाले थे। यह सभी लोग रिश्तेदारी में गोद भराई के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बदायूं जा रहे थे। हादसे के बाद से टैंकर चालक फरार है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम हटाने को लेकर ग्रामीणों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। हादसे की सूचना पर एसपी साहब भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया। ये खजरा खाकम गाँव है, इसमें एक कार और एक ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है और कुछ लोग घायल हैं, उनको इलाज के लिए भेजा गया है। और जो है इसमें ये काफ़ी गहरा मोड़ है, तो इसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि यहाँ पर दुर्घटना क्यों हुई, और उसके बाद हम लोग जो इंजीनियर हैं उनसे भी वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि हादसा टैंकर की तेज रफ्तार के चलते हुआ था। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। कार में फंसे शवों को गैस कटर से काट कर निकालना पड़ रहा था। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के समीप हाईवे पर स्पीड ब्रेकर लगवाने की मांग की है। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।